वो तेरा उत्पाद जो आपको 50 वर्ष से अधिक की उम्र में नहीं खानी चाहिए। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कौन से हैं वो तेरा उत्पाद। पर इसके पहले कृपया वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी दादा दादी के समय का खाना आज के खाने से बहुत अलग था। वे हमेशा ताज़ा प्राकृतिक और स्थानीय उत्पाद खाते थे, यानी अपने क्षेत्र में उगाए और बेचे गए उत्पाद। यदि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं तो चलिए जानते हैं यह तथाकथित भूमध्य सागरीय आहार जिसके दुनिया भर में बहुत से अनुयायी हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां ताजी सब्जियां और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्रचुर मात्रा में हैं। भारत के बाहर हर कोई इतना अच्छा खाना नहीं खा सकता, लेकिन जल्दबाजी के समाज ने हमें अपने शानदार आहार को तेजी से भूलने और पहले से तैयार और अति प्रसंस्कृत उत्पादों को अपनाने पर मजबूर कर दिया है, जो रासायनिक योजक और स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक तत्वों से भरे हुए हैं, जिनमें से नंबर एक है नकली मक्खन। हम गलत धारणा रखते हैं कि मार्जरीन मक्खन से ज़्यादा सेहतमंद है, लेकिन सच्चाई इससे ज़्यादा दूर नहीं हो सकती। दोनों ही आपके स्वास्थ्य के लिए समान रूप से हानिकारक हैं। इसकी संरचना से पता चलता है कि इसमें लगभग पूरी संरचना ट्रांस वसा में है, यानी असंतृप्त वसा, जो हमें कोलेस्ट्रॉल और इसके साथ साथ हृदय संबंधी समस्याओं का कारण बनती है। इसके अलावा इसमें बहुत अधिक नमक भी होता है, जो उच्च रक्तचाप के जोखिम को बढ़ाता है। यह एक ऐसा भोजन है जिसका सेवन रोजाना नहीं करना चाहिए। नंबर दो, जलपान। कई बार हम छत पर बैठते हैं और बिना सोचे समझे कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर कर देते हैं। इस तरह के पेय का सेवन इस तरह फैल गया है कि लोग इसके पूरी तरह आदि हो गए हैं और दिन में कई बार शराब पीने से खुद को नहीं रोक पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक नशे की लत है। उनकी संरचना आपको उन पर निर्भर बनाती है और ऐसा चीनी की वजह से होता है। ये पेय पदार्थ पानी, चीनी और गैस से ज़्यादा कुछ नहीं है। इनमें कोई पोषण संबंधी योगदान नहीं है। ये बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ाते हैं और मधुमेह की समस्या पैदा कर सकते हैं। नंबर तीन, सफ़ेद डबल रोटी। पहले की ब्रेड अब जैसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्रेड अपने आप में खराब है, बल्कि ऐसा है कि अब इसे प्राकृतिक रूप से नहीं बनाया जाता। पहले इसे प्राकृतिक गुणवत्ता वाली उत्पादों से बनाया जाता था और संतुलित आहार में ब्रेड की कमी नहीं हो सकती थी। आज ब्रेड बहुत कम गुणवत्ता वाले प्रकृष्ट आटे, चीनी और बहुत अधिक मात्रा में नमक से बनाई जाती है। यह सब उत्पादन समय और लागत को कम करने और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए किया जाता है। अगर आपको अपने शहर में कोई पारंपरिक बेकरी पता है तो बेहतर होगा कि आप वहीं से खरीदें। नंबर चार, पैक्ड जूस। एक बार फिर जिस भाग दौड़ में हम जीते हैं वह हमारे स्वास्थ्य को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती है। इन बोतल बंद जूस में शायद ही कोई फल होता है। अगर आप लेबल को देखेंगे तो आप खुद ही देख लेंगे। इसके बजाय उनमें कई रासायनिक योजक और बहुत अधिक मात्रा में अतिरिक्त चीनी होती है। कुछ भी आवश्यक नहीं है क्योंकि फल अपने आप में मीठा होता है। चीनी का अनुपातहीन सेवन मधुमेह जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। इस प्रकार के अति प्रसंस्कृत उत्पादों का सेवन ना करना और फलों को खुद निचोड़ना सबसे अच्छा है। नंबर पाँच,
ताजा ट्यूना। हालांकि यह असाधारण स्वाद और बहुत अच्छे गुणों वाला उत्पाद है, लेकिन ताजी ट्यूना का नियमित सेवन अनुशंसित नहीं है। समुद्र में भोजन करते समय ट्यूना अपने जीवन काल में बहुत अधिक मात्रा में पारा भी ग्रहण करती है। यह पारा शरीर में हमेशा के लिए रहता है और ट्यूना जितनी बड़ी होगी उसमें उतना ही अधिक पारा होगा। यह मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है, क्योंकि यह एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन्स है जो गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। डिब्बा बंद ट्यूना में ताजी ट्यूना जितना पारा नहीं होता। नंबर 6, अल्ट्रा प्रोसेस्ड शहद। सुपरमार्केट में मिलने वाला शहद खाने के लिए अच्छा नहीं होता। इसे कई तरह की पाश्चुरीकरण प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है, जहां यह अपने लगभग सभी लाभकारी पोषक तत्वों को खो देता है और शहद में पहले से ही प्राकृतिक चीनी होने के बावजूद इसमें परिष्कृत चीनी मिला दी जाती है। अच्छा शहद प्राकृतिक होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती और इसमें पाश्चुरीकरण प्रक्रिया नहीं होती। यह एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और हमारी सुरक्षा को मजबूत करता है। इसे शहरों या पारंपरिक उत्पाद स्टोर से खरीदना सबसे अच्छा है। नंबर 7, ऊर्जा प्रदान करने वाली पेय। नियमित रूप से सेवन किए जाने वाले इन पेय पदार्थों से उच्च रक्तचाप, मधुमेह या यहाँ तक कि दिल के दौरे जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें बड़ी मात्रा में चीनी के अलावा टॉरिन और कैफीन जैसे उत्तेजक पदार्थ होते हैं। इस प्रकार के पेय पदार्थ पेट और हमारे स्वास्थ्य के लिए मोलोटोव कॉकटेल की तरह हैं। इनसे हर कीमत पर बचना सबसे अच्छा है और अगर आपको थकान महसूस हो तो चाय या ब्लैक कॉफ़ी पिएं। नंबर 8, पका हुआ ठंडा गोश्त। आपको इस प्रकार के उत्पादों के साथ बहुत सावधान रहना होगा और उन्हें उपयोग करने से पहले लेबल पर संरचना को अच्छी तरह से देखना होगा। वे आमतौर पर रासायनिक योजक और परिरक्षकों की भीड़ रखते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है और कैंसर और एलर्जी पैदा करते हैं। इसके अलावा आपको उनके द्वारा रखे गए मांस के प्रतिशत को देखना होगा, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में यह कुल का 60% से अधिक नहीं होता है। बाकी सब कुछ लागत को भरने और कम करने के लिए योजक हैं। नंबर 9, चीनी के साथ अनाज। हम बचपन से ही नाश्ते में इन अनाजों को खाने की आदी हैं। विज्ञापन दाताओं ने हमेशा हमें विज्ञापनों से भर दिया है, जिससे हमें विश्वास हो गया है कि इन अनाजों का सेवन दुनिया में सबसे स्वास्थ्यप्रद चीज है। हालांकि ऐसा नहीं है। इन अनाजों को कृत्रिम रंग प्रक्रियाओं के अधीन किया जाता है और सबसे बुरी बात यह है कि वे लगभग सभी चीनी हैं। चीनी स्वास्थ्य संबंधी कई जटिलताएं पैदा करती हैं और हमें इसका सेवन जितना संभव हो उतना कम करना चाहिए। आज बिना चीनी के कई प्रकार के अनाज उपलब्ध हैं जो अधिक स्वास्थ्यवर्धक हैं। नंबर 10, नमक। जीवन में किसी भी चीज में अति अच्छी नहीं होती, इसलिए नमक हमारे शरीर के कुछ कार्यों के लिए आवश्यक खनिज है, लेकिन इसका अधिक सेवन एक गंभीर समस्या है। यह उच्च रक्तचाप और सहनीय समस्याओं, दर्द प्रतिधारण आदि का कारण बन सकता है।
आदर्श यह है कि बहुत कम नमक का सेवन किया जाए और विशेषज्ञों का कहना है कि प्रतिदिन अधिकतम 5 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही जब हम कम नमक लेने की आदत डाल लेते हैं तो भोजन का स्वाद बहुत बेहतर होता है। नंबर 11, डेयरी। डेयरी उत्पादों में हमारे पास अनगिनत उत्पाद हैं जो स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद नहीं है। मक्खन, क्रीम, चीज़, मेयोनीज़, दही आदि, इसके सेवन की सलाह दी जाती है, लेकिन छिटपुट रूप से। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें बहुत अधिक असंतृप्त वसा होती है जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है और मोटापे और हृदय संबंधी समस्याओं का कारण बनती है। इसके अलावा आपको लेबल को ध्यान से देखना होगा क्योंकि उनमें आमतौर पर अतिरिक्त चीनी भी होती है। इसलिए इसके अलावा डेयरी उत्पाद बहुत अच्छी तरह से पचते नहीं हैं और संश्लेषण झिल्ली की सूजन का कारण बनते हैं। नंबर 12, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में आमतौर पर कई रासायनिक योजक और संरक्षक होते हैं ताकि उत्पाद लंबे समय तक अच्छी स्थिति में रहे। यह सब इसके प्राकृतिक पोषक तत्वों और लाभकारी प्रभावों को खोने का कारण बनता है। इसलिए आप कुछ ऐसा खाने लगते हैं जो आपको कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं पहुंचाता। इसके विपरीत जो स्वाद बरकरार रहता है वह ग्लूटामेट के कारण होता है, एक रासायनिक नमक जो स्वाद को बढ़ाता है और अत्यधिक हानिकारक और नशे की लत है। नंबर 13, बाउलियन गोलियां। खाना पकाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इस तरह की गोलियां सोडियम ग्लूटामेट या तेलों जैसे रसायनों से भरी होती हैं जो स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक हैं, जैसे कि पाम ऑयल। यह सब लोगों को लुभाने और लागत कम करने के लिए किया जाता है, भले ही यह जानते हुए भी कि वे स्वास्थ्य के लिए खराब हैं। आदर्श यह है कि हम खुद शोरबा बनाएं और उनसे अपने व्यंजन पकाएं। आप एक बड़ा शोरबा बना सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कई टॉपर्स को फ्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसी अधिक जानकारियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।